जब चुनाव पूर्ण हो गया तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने अपने सर्टिफिकेट्स हमें भेजे, उसको एक लिस्ट करके पूरी नोटिफिकेशन इशू करके वो हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को अभी दिया, उसके बेसिस पर अब 18th लोकसभा का गठन की प्रक्रिया हमारी तरफ से पूरी हो गई और इलेक्शन का कार्य अब ख़त्म हुआ और हमने वो लिस्ट सभी नव निर्वाचित मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स की महामहिम जी को देकर अपने कार्य का, अपने दायित्व का आज पटापेक्ष किया। और बापू की समाधि पर, और बापू की समाधि पे आने का एक बहुत ही एक स्पष्ट हमारे मन में वजह है। आपको याद होगा जब हमने 16 मार्च को चुनाव देश के सामने घोषणा की थी तो हमने पहले ही कहा था कि हम इस बार के चुनाव हिंसा मुक्त चाहते हैं, हमारा प्रयास होगा कि हम हिंसा मुक्त करें। हमें डर भी था कि हम ये बोल रहे हैं इतने बड़े देश में जहां विभिन्न राज्य हैं, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, तो पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट बापू की जो धारणा थी और उनका जो विश्वास था और उनका जो संदेश था उससे हमें इतना आत्मबल मिला और हम ये कर पाए। आपको अवगत है कि पूरे देश में इस बार लगभग हिंसा मुक्त चुनाव हुआ है। जहाँ थोड़ा बहुत स्कर्मिशेज हुई भी हैं वो जितनी वहाँ होती थी उसके मुकाबले नगण्य हैं। और आपने देखा कि LWE एरियाज़ में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र या मणिपुर या कश्मीर किस तरीके से लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया है। तो जो एक जनमानस में, वोटर में एक जो विशेष वो था उत्साह, बैलेट ओवर बुलेट, यानी हिंसा की कोई भी स्थान लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस तरीके से वोटर्स ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में हिस्सा लेके बढ़ चढ़ के भागीदारी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, मतलब ये विश्व कीर्तिमान बनाया जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स का, मेल फीमेल दोनों, और शांतिपूर्ण, तो सभी वर्ग, सभी समाज के सभी हिस्से, सभी प्रदेश उसी तरीके से शांतिपूर्ण रहेंगे जब इलेक्शन में उतनी शांति से काम कर सकते हैं, जब एक क्यू में खड़े हो सकते हैं सब तरीके के लोग शांति के साथ, तो निश्चित रूप से रोज़मर्रा में भी उसी तरीके से शांति से रह सकते हैं। तो यही आज हम अपने श्रद्धा सुमन, अपनी होमेज बापू को पे करने आए थे कि जिनके विश्वास पर, जिनके सिद्धांत पर हमने इतना बड़ा प्रॉमिस कर लिया था वो हम लगभग पूरा कर रहे हैं। सर, चुनाव के पहले, चुनाव होने के बाद, इलेक्शन के पहले जो है तमाम सवाल उठ रहे थे कि हो सकता है EVM में गड़बड़ी हो, और लेकिन नतीजों के बाद जो है हर जगह जो है खुशी है, सरकार खुश है, अपोजिशन खुश है, आप खुश हैं कि नहीं इलेक्शन को? हमें परिणाम से ज़्यादा, वैसे तो मैं बोलता हूँ हमेशा एक्शंस, आई मीन रिजल्ट्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और जिसको अगर हिंदी में कहें तो परिणाम में ही प्रमाण है। सो हम भी खुश हैं, लेकिन ये देश की एक विविधता और देश की एक वोटर की, व्हाट शुड आई से, एक परिपक्वता है। दे आर सो मैच्योर्ड, आई मीन थिंक ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द वोटर। उसने सारे संदेश दे दिए अपने उसमें, और उसकी जो रिजल्ट्स हैं, जितनी भी अफवाहें फैली उन सब अफवाहों को नकारते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसने वोट की और हमारी EVM भी बच गई, उसकी भी, वो भी आज बहुत खुश है। नतीजों के बाद EVM पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। अब 6 महीने बंद रहेगा, शायद अगला चुनाव आएगा तो लगता है ना हो, मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा, लेकिन पता नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो शक के दायरे में हर चीज़ को रखते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। सो एनीवे, आज ये सब बातें करने का समय नहीं है। सबको बहुत बहुत बधाई। चुनाव की MCC भी अब थोड़ी देर के बाद हट जाएगी और अब हमारा कार्य ख़त्म हुआ, अब हम अपने नए कार्य में लगेंगे जो बचा हुआ है। सर, वोटर टर्नआउट को लेकर क्या कहेंगे आप? अभी जो ओवरऑल 65.79% का है, अभी हमने रिलीज़ किया है, ये EVM का वोटर है। अभी धीरे धीरे इसमें पोस्टल बैलेट जुड़ेंगे तो ये निश्चित रूप से 66 से ऊपर जाएगा,
जो कार्ड्स बनते हैं बनता है वो सब अब बनना शुरू होगा, लेकिन काउंटिंग के बाद का ये डाटा 7th फेज तक का फाइनल हो गया। अब जो छोटे मोटे इसमें चेंजेज होंगे, पोस्टल बैलेट जुड़ेंगे जिसमें 85+ का बोर्ड जुड़ेगा, ETPBS का बोर्ड जुड़ेगा, वो जुड़ के जरूर 66 से ऊपर जाएगा, विच इज़ अ वेरी फेयर परसेंटेज। इतिहास में 65 से ऊपर जाने का भी अच्छा प्रदर्शन किया है वोटर्स ने। अगर थोड़े शहरी लोग, युवा लोग थोड़ा और ज़्यादा जुड़ते तो अच्छा था, हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि वो ज़्यादा जुड़े। अब इसके बाद सर, लोकसभा के बाद अब किसकी तैयारी है? जम्मू कश्मीर है, अब जम्मू कश्मीर का चुनाव ड्यू है। हम कह चुके हैं पहले ही कि इतना उत्साह जम्मू कश्मीर में, और जब 12 मार्च को हम वहाँ गए थे उसी दिन मैंने हिंट दिया था कि हम अप्रोप्रिएट समय पर करेंगे, और हम ये चाहते थे कि पहले हम एक बढ़िया सा ये चुनाव करा लें, लोगों को बाहर निकाल लें। लोग जब बाहर निकल गए, उन्होंने एक लाइन देखी है वहाँ की, कैसी कैसी लाइनें थी। अब वो जब हो गया तो अब हम जल्दी से जल्दी वहाँ उनको अपनी गवर्नमेंट बनाने का, अपने हिसाब से अपनी पसंद चुनने का, अपने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका बहुत जल्दी देंगे। चलिए, थैंक यू।